अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फरीहा, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको इंस्टेंट जलेबी बनाना सिखा रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि जलेबी जो है उसमें सामग्री जो है बहुत कम लगती है, और मैं आज आपको दही की जगह पे नींबू से जलेबी जो है वो बनाना सिखा रही हूँ। तो आप देखिए, मेरे पास जो चीज़ें हैं वो है मैदा, दो कटोरी शक्कर, जिस जो मैंने ऑलरेडी चाशनी मैंने बना दी है, जिसकी ये चाशनी आप देखिए, मुझे इस तरीके की चाशनी चाहिए। और इसके लिए मैंने दो कटोरी ये शुगर ली है और एक कटोरी पानी, और इसको मैंने पहले से ही बना दिया था ताकि जलेबी बनाने में दिक्कत ना हो, टाइम कम लगे। और उसके बाद हमें चाहिए बेकिंग सोडा, कलर, जलेबी कलर, और हमें चाहिए नींबू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम दही स्किप करेंगे और नींबू का यूज़ करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैदा मैं ले रही हूँ। मैदा मैंने ले लिया है यहाँ पर 250 ग्राम मैदा। अब इसमें मैं पानी मिक्स कर रही हूँ। इसमें आप अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करेंगे। जब तक मैं यहाँ पर ये आटा मिक्स करती हूँ, आप देखिए मेरी चाशनी बिल्कुल तैयार है। और अब मैं इसको फ्लेम से उतार रही हूँ, इसका फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ। इसमें ध्यान रहे कि थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है। आप देखिए, मैं इसको बीटर के मदद से जो है वो बीट नहीं कर रही हूँ, मैं एक सिंपल स्पून की मदद से कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे भी व्यूवर्स हैं जो जिनके घर में ये सामग्री नहीं होती है, तो मैं इसलिए इसको बीटर की मदद से बीट कर रही हूँ, चम्मच की मदद से बीट कर रही हूँ, बीटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। लेकिन अगर आपके पास बीटर है तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ध्यान रखें कि अगर आप चम्मच से इसको मिला रहे हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे। अब इसमें मैं बेकिंग सोडा, अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप जो मीठा सोडा जो होता है जो खाने में डालते हैं, आप उससे भी काम चला सकते हैं। तो बेकिंग सोडा मैं यहाँ पर एक स्पून, 1.5 स्पून में ले रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं फूड कलर ऐड करूँगी। मेरे पास नींबू है,
देखिए, मैंने इसमें बेकिंग सोडा, फूड कलर और जो नींबू मैंने डाल दिया इसमें, और ये हमारी इंस्टेंट जलेबी है, इसलिए हमें बैटर को रेस्ट पे नहीं रखना है, हमने इसकी फ़ौरन जलेबियाँ जो है वो तलना शुरू कर देना है। जब तक मेरा ये आटा अच्छी तरीके से होता है, तब तक मैं तेल गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो ये हमें थोड़ा शैलो फ्राई करना है, इसलिए मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा लिया है। देखिए, मेरा बैटर बिल्कुल रेडी है, हमें ऐसा ही चाहिए। जब ये इस तरीके से गिरने लगे तो समझो हमारा, हमें इसी तरीके का जो है वो मिक्सचर चाहिए। तो अब मैं इसको अब एक बैग में डाल रही हूँ। आप स्क्वीज़र भी ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब जलेबी को अच्छी तरीके से तेल में पकने दें ताकि वो क्रिस्पी होनी चाहिए। हमने बेकिंग सोडा इसमें डाला है तो वो क्रिस्पी हो जाएगी, लेकिन इसको अच्छे से जो है वो फ्राई होने दें। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी जलेबियाँ बिल्कुल रेडी है। अब सिर्फ हमें इसे चाशनी में डिप करना है। हमारी जलेबियाँ तैयार है और इसको हमने चाशनी में डिप कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप घर पे ही जलेबियों का लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत आसान होती है, बस आपको जलेबी जो है वो गोल बनानी आनी चाहिए। ये देखिए मेरी जलेबियाँ। आप देख सकते हैं कि मेरी जलेबियाँ बिल्कुल बनके रेडी है, और ये देखिए क्रिस्पी, बिल्कुल क्रिस्पी, ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी। तो जैसे बाज़ार में मिलती है, बिल्कुल मेरी चाशनी उस तरीके से बनी है और मेरी जलेबियाँ भी बिल्कुल क्रिस्पी है। तो हम ये किसी को भी फटाफट से बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर
एंड सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए. थैंक यू सो मच.